Hello everyone in this video we are going to read the very first poem of class 7 english literature reader and the poem is titled his last message his last message ab hai his aur kya hai last message this will get clear when we will read the poem this is all and so it would seem the tiger spoke to me in my dream पोइट कहते हैं कि ये काफ़ी ऑड है अजीब है और इसलिए आपको ऐसा लगेगा भी दिस इज ऑड कभी कभी ही ऐसा होता है इट रियरली हैपन्स समथिंग विच इज़ नॉट रेगुलर इज कॉल्ड ऑड तो ये ऑड है और इसलिए आपको ऐसा लगेगा भी क्योंकि द टाइगर स्पोक टू मी इन माई ड्रीम पोइट कहता है कि एक टाइगर है जिसने मुझे ये बातें बताई हैं मेरे सपने में द टाइगर स्पोक टू मी इन माई ड्रीम टू नाइट आई शल प्रोफेस

ह्यूमन क्रिएचर शो करें अगर हम किसी एनिमल में ह्यूमन क्वालिटीज़ या ह्यूमन एबिलिटीज़ शो करें तो इसे हम कहते हैं परसोनीफिकेशन इट इज़ कॉल्ड पर्सोनीफिकेशन मतलब हमने यहाँ पर उस टाइगर में ह्यूमन क्वालिटीज़ डाल दी एक इंसान की क्वालिटी डाल दी बिकॉज टाइगर कैन से ओनली अ मैन कैन से और अ ह्यूमन कैन से तो हमने टाइगर को पर्सोनीफाई किया सो so, आई यहाँ पर टाइगर के लिए आ रहा है एंड टाइगर हैज़ बिन परसोनीफाइड इसके बाद हम देखते हैं दैट इफ फॉरेस्ट डाई द डेथ ऑफ द प्लान इज इंडार वो ट्राई वो जो टाइगर है वो एक भविष्यवाणी करता है वो कहता है कि आज मैं एक भविष्यवाणी आज मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अगर मेरी मौत होती है तो ये सारे के सारे फॉरेस्ट का डेथ हो जाएगा और अगर फॉरेस्ट का डेथ हो जाता है इफ फॉरेस्ट डाई अगर ये सारे के सारे जंगल ये सारे के सारे वन खत्म हो जाएंगे डेथ खत्म हो जाएंगे मारे जाएंगे तो द डेथ ऑफ द प्लानट इज इन फार तो इस प्लानट का भी अंत ज़्यादा दूर नहीं है वो कहता है कि अगर मैं मारा जाऊँगा तो ये जंगल मारे जाएंगे बिकॉज इफ देर वुड बी नो टाइगर्स इफ देर वुड बी नो लायंस देन ह्यूमंस विल सो इजीली इंट्रूड वो इतनी आसानी से जंगलों में दखल देंगे हम इंसान कि जंगल तुरंत ही खत्म हो जाएंगे साथ में ये साथ में वो टाइगर ये भी कहता है कि द डेथ ऑफ द प्लैनट इज इन फार प्लान का डेथ भी ज़्यादा दूर नहीं है अगर मेरी मौत हो जाती है सो प्लीज़ सी टू इट आई डोंट एंड अप इन द स्किन मार्केट एंड द बोन बाजार यहाँ वो कहता है कि सो so प्लीज़ आप लोग देखिए इस मामले में प्लीज़ सी टू इट कि आई डोंट एंड अप मैं ऐसे ही खत्म ना हो जाऊँ किसी स्किन मार्केट में जहाँ मेरी स्किन बेची जाए आप सभी जानते हैं द टाइगर्स आर सोल्ड एंड पोस्ट फॉर दियर स्किन बाघ की खाल काफ़ी कीमती होती है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है तो उसे बाज़ारों में बेचा जाता है सो ही सेज कि सो प्लीज सी टू इट आई डोंट एंड अप इन द स्किन मार्केट एंड द बोन बाजार आप इस बात का ध्यान रखिए कि मैं जिस पर पूरा फॉरेस्ट डिपेंड करता है और उस फॉरेस्ट पर पूरा अर्थ डिपेंड करता है कहीं मैं ही खत्म ना हो जाऊं स्किन मार्केट में और बोन बाजार this beautiful poem with full of message has been written by keke and darwala that is all for this video in next video we shall talk about another chapter of our english course book and literature reader till then thanks and goodbye